भटियात उपमंडल की ग्राम पंचायत कथेट में मूसलाधार बारिश से कुट्टीधार से लूनी नाले में बाढ़ आ गई। इससे 6 मवेशी बह गए जबकि एक मकान बाल बाल बचा। नाले का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी अनुसार रविवार शाम अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इससे नाले का जलस्तर बढ़ गया। ग्राम पंचायत कथेट के उपप्रधान राजकुमार ने बताया कि इस हादसे में 3 बैल और 2 बकरियों की मौत हो गई है जबकि एक मवेशी को बचा लिया गया है। एक मकान के पास भी नाले का पानी गुजरा लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि भटियात उपमंडल में भारी बारिश का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। गत सप्ताह हुई भारी बारिश से जहां सड़कों का नामोनिशान मिट गया था तो वहीं लोगों के घरों को नुकसान हुआ था। लोग वर्तमान में सरकारी भवनों में समय गुजार रहे हैं। SDM भटियात सुनील ने बताया कि इस बारे में सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया था और नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। सर कोई 3-4 बजे के करीब हो गई थी। तो यहाँ पर क्या आया था? फ्लड आया था कोई? फ्लड आया था सर, बहुत जोर की वर्षा हो रही थी और बहुत जोर से फ्लड आया और ऊपर धार से लोगों के पशु गिर गए, मर गए 3-4 एक परिवार के। अच्छा, 2-3 बकरियां मर गई। आप लोगों ने इस फ्लड को आते हुए देखा? हाँ जी देखा सर, बहुत जोर। कैसा मतलब फ्लड के साथ क्या पत्थर आ रहे थे या मलबा आ रहे थे? पानी आ रहा था बहुत ज्यादा, मलबा आ रहा था साथ में, बहुत नुकसान हो गया था। धन्यवाद। एक मकान था वो भी बच गया थोड़ा, नहीं तो उसके अंदर भी पानी घुस गया है। पानी आया हुआ है जिसके कारण यहाँ पे भी खूब सारे पत्थर गिरे हैं। अच्छा, और ये देख रहे हैं आप मकान जो है बच गया है और मेरा सामान था 3-4 लाख का वो भी बच गया सारा। अच्छा, और 2-3 पशु ऊपर से आए हुए हैं, बकरियाँ आई हुई हैं और काफी नुकसान हुआ है। यहाँ से देखिए आप नीचे कहाँ पर गए वो बकरियाँ लेकर? बकरी एक पशु तो गिरी था ऊपर। अच्छा, और 2-3 बकरियों का पता नहीं लगा। अच्छा, और एक बछड़ी जो ऊपर शो के नीचे पड़ी हुई थी। अच्छा, तो सरकार से ये गुजारिश है कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए और ये दुकान में जो भी इतना नुकसान हुआ। आपका नुकसान हुआ सर कुछ? सर, अंदर तो पानी नुकसान नहीं हुआ है, फाइनेंशियली कोई नुकसान नहीं हुआ है सर। अच्छा, हाँ जी सर।